बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद अगर अपने माँ बाप की कुर्बानियों को देख ले तो वो कभी उफ़ भी ना कहे। यही वजह है कि कुरान मुकद्दस ने माँ बाप के हवाले से फरमाया कि उन्हें उफ़ तक ना कहो। कुरान मुकद्दस में शिर्क के साथ जिस बात से मना फरमाया गया है वो वालदेन की नाफरमानी है। ये बैरूत में होने वाले धमाकों के दौरान एक घर के मनाजिर हैं। एक बाप अपने बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगाकर छुपा रहा है। मुतमईन ना होने के बायस कभी एक तरफ भागता है और कभी दूसरी तरफ भाग कर जाता है और बिलाखिर अपने बेटे को लेकर एक टेबल के नीचे घुस जाता है। ख़ुद को ऊपर रखता है कि अगर कुछ हो भी तो मुझे हो, मेरा बेटा महफूज रहे। वालदेन की इन्हीं कुर्बानियों के सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान करीम में दुआ कुछ इस तरह से सिखाई है कि रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, कि वालदेन के लिए दुआ ये करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर इस तरह से रहम कर जैसे इन्होंने बचपन में मुझ पर रहम करके पाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सबके वालदेन को सलामत रखे और हम सबको अपने वालदेन की खिदमत करने की तौफीक दे। जिनके वालदेन इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें अपने वालदेन के लिए सदकाए जारिया करने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह अकबर।